हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं अमित पालित और अब वक्त हो चला है 9 बजे की 9 बड़ी खबरों का। आज आपको दिखाएंगे कहां कहां जारी हुआ है आफत की बारिश का अलर्ट, हिमाचल प्रदेश में तबाही के बाद क्या है मंजर, और साथ ही आपको इस बुलेटिन में बताएंगे महाराष्ट्र में क्यों छिड़ा है संग्राम, ट्विटर इंडिया के MD पर कब आएगा फाइनल फैसला, ये सारी खबरें आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत करें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 100 दिनों में यूपी में कई प्रोजेक्ट्स का शुभारंभ करने जा रहे हैं। पीएम मोदी 16 जुलाई को वाराणसी जा रहे हैं। इस मौके पर पीएम मोदी 400 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे। अगले 100 दिनों में यूपी के कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बृहस्पतिवार को वाराणसी जा रहे हैं प्रधानमंत्री, 400 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स का वो उद्घाटन करेंगे। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करेंगे, जापान के सहयोग से बना है ये सेंटर। 9 जिलों में बने 9 मेडिकल कॉलेज का भी उद्घाटन करने जा रहे हैं। 9 जिलों में 9 मेडिकल कॉलेज, इनमें से आपको बता दें जैसे गाजीपुर, एटा, हरदोई, देवरिया, फतेहपुर, जौनपुर, मिर्जापुर, सिद्धार्थनगर, प्रतापगढ़, ये वो इलाके हैं जिन जिलों में ये 9 मेडिकल कॉलेज खुलने जा रहे हैं। एक साथ 9 मेडिकल कॉलेज प्रदेश को पहली बार मिल रहे हैं और 15 अगस्त के बाद प्रधानमंत्री मोदी लखनऊ गाजीपुर को जोड़ने वाली पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का भी उद्घाटन कर सकते हैं। बात करेंगे संवाददाता रुचि कुमार से। रुचि, प्रधानमंत्री मोदी का जो अगले कुछ दिनों में कह सकते हैं उत्तर प्रदेश को एक सौगात देने जा रहे हैं, उसको लेकर और क्या डिटेल है? देखिए, ऐसा है कि अभी बृहस्पतिवार को वाराणसी आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, जो उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और वहाँ 400 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट का वो उद्घाटन करेंगे। वहाँ पे उसके अलावा जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा है वहाँ भी जाएंगे, जहाँ काम करीब 50% से ज्यादा हो चुका है। रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर है उसका उद्घाटन करेंगे, ये जापान के सहयोग से वहाँ पे बनाया जा रहा है। और अगले साल किसी विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश में, तो ये कहा जा रहा है कि अब हर महीने एक बार प्रधानमंत्री मोदी का दौरा उत्तर प्रदेश को लगेगा और उनकी कोई रैलीज होंगी। और अभी जो बनारस में है वो मेडिकल कॉलेज, 9 मेडिकल कॉलेज का भी उद्घाटन करेंगे, और एक यहाँ पे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे बन रही है। और बिल्कुल रुचि, लेकिन ये वाकई में शायद पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि एक साथ 9 जिलों में 9 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन होगा। काफी इंतजार के बाद दिल्ली में मॉनसून का आगाज हो चुका है और दिल्ली के अलग अलग जगहों पर बारिश की बूंदी पड़ी हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट लुटियंस जोन सरिता विहार में जोरदार बारिश हुई है, जिससे लोगों को राहत मिली है। दिल्ली वालों को मॉनसून की लंबे वक्त से इंतजार था। पिछले हफ्ते उमस भरी गर्मी से दिल्ली वाले परेशान थे, 2 दिनों से तेज हवाएं चल रही थी लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। लेकिन आज सुबह दिल्ली और NCR के कुछ इलाकों में जबरदस्त बारिश हुई है, और आपको बताएं कि मौसम विभाग ने 15 जून को पहले मॉनसून आने की भविष्यवाणी की थी, लेकिन बाद में इसे बदलकर 28 जून किया गया, फिर 2 जुलाई किया गया लेकिन बारिश नहीं हुई, फिर 7 जुलाई, उसके बाद 10 जुलाई, लेकिन आखिरकार आज बारिश हुई है और लोगों को, खासतौर पर दिल्ली NCR के लोगों को गर्मी से निजात मिली है। इसके साथ ही आपको बताएं कि जो मॉनसून को लेकर भविष्यवाणी लगातार फेल हो रही थी, इसको लेकर बात मानी है और मौसम विभाग ने कहा है कि उनका जो मॉनसून का मॉडल था दिल्ली को लेकर वो फेल रहा है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली की, जहां पर झमाझम बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया है। लोगों को गर्मी से राहत मिली है लेकिन जो लोग अब बाहर निकलेंगे, कामकाज पर जाएंगे, उनको ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ेगा। दिल्ली में बारिश के बाद जगह जगह जल भराव हुआ है। संवाददाता जतिन शर्मा ने दिल्ली के जनपद से एक रिपोर्ट भेजी, आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली में बारिश को लेकर अब लोगों का इंतजार खत्म हो रहा है। सुबह से ही दिल्ली के आसमान में बादल छाए हुए थे और देखते ही देखते दिल्ली के कुछ इलाकों में बारिश होना शुरू हो गई है। ये तस्वीरें आप नई दिल्ली इलाके की देख रहे हैं और आप देख सकते हैं कि बारिश जो है वो अब दिल्ली में होनी शुरू हो गई है। सभी को इस बारिश का इंतजार था क्योंकि दिल्ली में उमस भरी गर्मी से लोग परेशान थे। ये बारिश उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत देते हुए बिल्कुल नजर आएंगे। हालांकि सुबह का समय है, दिल्ली की सड़कों पर ट्रैफिक कम है, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा और इसी तरीके से दिल्ली में बारिश होती रही तो लोग जो अपने घर से दफ्तर जाने के लिए निकलेंगे उनको खासी परेशानी हो सकती है। लेकिन ये कहें कि दिल्ली में मानसून ने दस्तक दे दी है।
मानसून आने में देरी भी हुई, लेकिन अब मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दो दिन दिल्ली में अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है और सुबह से ही दिल्ली के इलाकों में बारिश होना भी अब शुरू हो गया है। हालांकि जो लोग अपने घर से दफ्तर जाने के लिए निकलेंगे उनको ट्रैफिक जाम से भी परेशान होना पड़ सकता है, लेकिन गर्मी से लोगों को राहत बिल्कुल मिलेगी। अगर हम तापमान की बात करें तो अभी सुबह के समय दिल्ली का जो तापमान है वो 30 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है। आधे हिंदुस्तान में अगले 48 घंटे के लिए भारी बारिश का अलर्ट है और इस अलर्ट के बीच कैसे लोग जान जोखिम में डालकर नदी नालों को पार कर रहे हैं, सबसे पहले उसकी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के बाहरी इलाके की है, जहां पर अपनी जान को जोखिम में डालकर कुछ लोग उफनते हुए नाले को पार कर रहे हैं। और इन लोगों के साथ आप देख सकते हैं कि महिलाएं भी हैं और हैरानी की बात है कि यहाँ किसी के पास रस्सी तक नहीं है, लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर इस उफनते नाले को क्रॉस कर रहे हैं। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, जहां आसमानी आफत से बुरी तरह से लोगों को परेशानी उठानी पड़ी है। कांगड़ा जिले में बादल फटने के बाद आए फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड और साथ ही बाढ़ से दो लोगों की मौत हो गई है और करीब 10 लोग अभी भी लापता है। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून के दूसरे राउंड के पहले दिन ही भीषण तबाही मची है। कांगड़ा जिले के धर्मशाला, मैक्लोडगंज और दूसरी जगहों पर करीब 20 लोग फंसे हुए हैं, इनमें कुछ सैलानी भी हैं। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक मैक्लोडगंज के ट्रैकिंग रूट पर 100 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, जिनमें से 80 छात्र हैं और कुछ परिवार भी शामिल हैं। वहीं फ्लैश फ्लड से बुरी तरह से तबाह हुए कांगड़ा के वो गांव से 4 लोगों को भी बचाया गया है। बारिश के बाद खराब हालत को देखते हुए एनडीआरएफ की 3 टीमें कांगड़ा भेजी गई हैं। सैलाब की वजह से 11 घर और दर्जनों गाड़ियां बर्बाद हो गई हैं और कई जगहों पर 48 घंटे से बिजली तक नहीं है। हिमाचल प्रदेश के करीब 60 सड़कें लैंडस्लाइड और मलबे की वजह से बंद हो चुकी हैं। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने पर्यटकों से अपील की है कि वो धर्मशाला की ओर ना आए। हिमाचल प्रदेश पर मॉनसून में मौसम विभाग ने भी कई अलर्ट जारी किए हैं। सबसे ज्यादा प्रभावित जिला आपको बता दें कांगड़ा है। कांगड़ा के धर्मशाला में बादल फटा था, जिसके बाद भक्शुनाग के इलाके में नदियां और नाले उफान पर आ गई थी और इसके साथ ही जो रास्ते थे वो भी बंद हो गए थे। फ्लैश फ्लड के रास्ते के चलते कई जगह पे घर, मकान, दुकान और कई लोगों को अपना काफी कुछ गंवाना भी पड़ा है। धर्मशाला के अलावा मैक्लोडगंज, कुल्लू, लाहौल स्पीति और मंडी से भी ऐसी तस्वीरें आई हैं। भारी बारिश की वजह से कहीं सड़कों पर चट्टान गिर गई तो कहीं पर पूरी सड़क ही पानी के साथ बह गई है। मौसम विभाग ने आज हिमाचल प्रदेश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और आज भी हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है। पहाड़ी इलाकों में बारिश फटने की वजह से यानी कि क्लाउड बस्ट होने की वजह से धर्मशाला में सभी सरकारी विभागों को अगले 4 दिन तक अलर्ट पर रहने को कहा गया है। पिछले 48 घंटों के दौरान धर्मशाला, मैक्लोडगंज में करीब 300 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। धर्मशाला में इतना पानी बरसा है कि भक्शुनाग इलाके के पास एक बरसाती नाले ने अपना रास्ता तक बदल लिया और फिर ये पानी रिहायशी इलाकों की तरफ मुड़ गया। रास्ते में जो भी आया सब कुछ ये बहाकर ले गया, चाहे गाड़ियां हो, टू व्हीलर हो, सड़कें तक यहाँ पर पूरी तरह से पानी से लबालब भर गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये धर्मशाला के पास मैक्लोडगंज से ऊपर भक्शुनाग का इलाका है, जहाँ पर भक्शुनाले में पानी भर जाने के बाद यानी पानी बढ़ जाने के बाद उसने रास्ता बदला और सड़कों तक पानी पहुंच गया। सिर्फ कारें नहीं बल्कि कई मकान और दुकान भी इस उफनते हुए नाले की भेंट चढ़ गए। धर्मशाला के साथ शाहपुर में भी पानी ने बर्बादी मचाई है। मंजी खाड़ इलाके में कुछ बिल्डिंगें पानी के साथ बहती हुई चली गई। बस राहत की बात यह रही कि लोग इस खतरे को भांप गए थे और वो घर से बाहर निकल आए थे वक्त रहते। भारी बारिश से कांगड़ा की सभी नदियां उफान पर हैं। नदियों ने तटबंधों को तोड़ दिया है और रिवर बेड पर बने कई मकान और होटल रिजॉर्ट कह सकते हैं कि पूरी तरह से पानी में समा चुके हैं। कई लोगों की जिंदगी भर की कमाई पानी में बह गई है। कई लोग ऐसे भी हैं जिनके पास सिर्फ एक जोड़ी कपड़ा और कुछ नहीं बचा है, उनका सब कुछ इस बाढ़ में बह चुका है। कई लोगों के घर, दुकान, तमाम जो उनकी जिंदगी भर की कमाई थी सब कुछ इस पानी में बह गया। कोई बात नहीं माता जी, हम आए हैं आपकी पूरी मदद रहने के लिए, कुछ भी नहीं है माता जी, आप चिंता ना करें। ये कपड़े बस पूरी उम्र की कमाई मेरी, हाँ जी घर बह गया, मेरी गाड़ी, स्कूटर, स्कूटी सब बह गया, पता भी नहीं लग रहा हमारा यहाँ कुछ था अभी। हाँ जी, एक, दो, तीन, चार और दस दुकानें थी अप्रोक्सीमेटली, 10 की 10 दुकानें और
चार पांच मकान थे यहाँ, बिल्कुल बह गए पानी में। अभी जो 8-10 मकान आपको दिखाई दे रहे हैं वो भी जाने वाले हैं, चले गए, आधे आधे चले गए, थोड़े बहुत ही बचे हुए हैं। तो लोग कहाँ से जो उनमें रहते थे वो लोगों को हमने बाहर निकाला, उनको शिफ्ट कर दिया है, आगे शिफ्ट कर दिया है। कुदरत की तबाही की तस्वीर ये कुल्लू से आई है। कुल्लू के बजोरा इलाके में भारी बारिश की वजह से लैंडस्लाइड हुआ और लैंडस्लाइड की वजह से कई गाड़ियां मलबे में धंस गई। मलबे में दबी गाड़ियों को हटाने के लिए क्रेन तक बुलानी पड़ी। मंडी से कुल्लू वाली रोड लैंडस्लाइड की वजह से ब्लॉक है। लाहौल स्पीति में भी बारिश की वजह से काफी सारे जो इलाके हैं वो प्रभावित हुए हैं। नेशनल हाईवे 3 पर ट्रैफिक मूवमेंट रोकना पड़ा है और घंटों तक गाड़ियां यहां फंसी रही है। लेकिन चुनौती इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इस वक्त टूरिस्ट सीजन है और हजारों की तादाद में लोग हिमाचल प्रदेश के अलग अलग इलाकों में पहुंचे हैं। राजधानी शिमला में भी भारी बारिश की वजह से टूरिस्ट फंसे हुए हैं। तेज बरसात के कारण सड़कें टूट गई हैं। इन सड़कों पर गाड़ियां अब चलना मुमकिन नहीं है। बड़ी तादाद में पर्यटक बीच रास्ते में फंसे हुए हैं। टूरिस्ट की मुश्किल ये भी है कि बार बार बारिश की वजह से सड़कों को दोबारा बनाने के काम में देरी हो रही है। और चिंता की बात यह कि मौसम विभाग ने सावधान रहने को कहा है और खतरे का संकेत दिया है। ये बताया गया कि अगले 4 दिन तक यहाँ पर हालात ऐसे रहेंगे और जबरदस्त बारिश होगी। हिमाचल और जम्मू कश्मीर में बारिश से तबाही के बाद अब मौसम विभाग ने आज बड़ी चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने कहा है कि राजस्थान और जम्मू कश्मीर के लिए ऑरेंज अलर्ट है, साथ ही हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसके साथ साथ गोवा और सेंट्रल महाराष्ट्र के लिए भी बारिश का रेड अलर्ट जारी है। मौसम विभाग के मुताबिक इन राज्यों में भारी बारिश की वजह से लोगों को परेशानी हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में हिमाचल में भारी बरसात होगी। मौसम विभाग ने फिर से बादल फटने का अंदेशा भी जताया है और लोगों को सावधान रहने की चेतावनी दी है। हिमाचल में अगले 24 घंटे में भारी बारिश और उसके बाद 3 दिन हल्की बारिश के आसार हैं। बात करेंगे संवाददाता पुनीत परिंजा से। पुनीत, अलर्ट जारी कर दिया गया है, हालात भी हम देख रहे हैं, सरकार की ओर से बचाव के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, जाहिर तौर पर यहाँ पर कि जिस तरह से कल जो नजर हमें यहाँ पर तस्वीर देखने को मिली थी, उसके बाद यहाँ पर प्रशासन की तरफ से तो फिलहाल अभी कुछ ऐसा इंतजाम यहाँ पर नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये जरूर है कि ऑरेंज अलर्ट था कल का और आज का, उसके बाद येलो अलर्ट है। और यह जो मैं तस्वीरें आपको दिखाऊँ यहाँ पर, तो तस्वीरें जो आप देख के हैरान हो जाएंगे कि किस वजह से ये पूरा, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हालात हैं ये वही जगह है जहाँ पर कल गाड़ियाँ जो थी वो ताश की पत्तों की तरह बह रही थी। और बाकायदा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एंक्रोचमेंट बहुत ज़्यादा यहाँ पर धड़ल्ले से हुई है। ये आप तस्वीर देखें, आप पीछे से अगर मैं आपको तस्वीर दिखाऊं यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि ये नाला है, जो नाला यहाँ से बरसाती नाला है जो बाकायदा पीछे से काफ़ी तेज़ी से आ रहा है, और इसी नाले की वजह से ये कल जो यहाँ पर मंजर था वो देखने को मिला। स्थानीय लोगों से हमारी बात हुई, उनका ये कहना था कि बादल नहीं फटा बल्कि जो एंक्रोचमेंट है उसकी वजह से नुकसान हुआ है। ये जब नाला जहाँ से पानी बड़ी तेज़ी से आया, तो उसके बाद आप ये तस्वीर देखिए कि किस तरह से ये एंक्रोचमेंट जो थी वो इस नाले को पूरा उसने कवर कर दिया गया है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये एंक्रोचमेंट की पहली तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद ये पूरा का पूरा नाला जो है ये इसी तरह से भूमिगत हो जाता है, यानी कि इसके ऊपर लेंटर डल चुके हैं, ऊपर बड़े बड़े होटल्स खड़े हो चुके हैं बहुमंजिलिया, और ये इसके नीचे नाला बहता है। और जब ये कल पूरी बारिश यहाँ पर हुई, उसके बाद ये पानी जो था इस नाले के अंदर तेज़ी से आया और जो बाइक्स थी या दूसरा सामान था वो इसके अंदर फंस गया, जिसके बाद पानी जो था वो नाले की बजाय सड़कों पर बहने लगा। और ये अब आप सड़कों की तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये वो सड़क है जिसके बाद ये जो तस्वीर जो है ये वही सड़क है जिसके ऊपर ये नाले का पानी जो था इसके ऊपर आ गया। और ये तस्वीर देखिए, मंदिर यहाँ पर है, इस ये मंदिर जो है ये एक होटल बनाया गया है, बहुमंजिला होटल है, उसके आगे उन्होंने मंदिर बना दिया, उसके आगे पार्किंग बनाई गई है। इसी तरह से पूरी की पूरी जो ये नाला है वो नाला इसी अब जो अवैध निर्माण है जिसको हम इंक्रोचमेंट कहें, तो उसकी वजह से नाला जो है वो पूरी तरह से ढक गया। और जो ये तबाही का मंजर हमें कल देखने को मिला, आपने वजह भी बता दी कि आखिरकार कल इतने हालात क्यों बिगड़े थे, क्योंकि आप देख सकते हैं इंक्रोचमेंट किया गया, नाले के ऊपर किस तरह से कब्जा किया गया, इसलिए जब पानी आया तो अपने साथ सब कुछ बहा के ले गया। और इस बारे में जो वैज्ञानिक है वो क्या कहते हैं आपको सुनाते हैं। बड़ा है हमारा उत्तराखंड जो है, बागेश्वर, बहुत सारा जो हिल एरिया है, जैसे आप बताए हिमाचल बहुत हैवी रेन चल रहा है, पंजाब का जो बात करें तो हमारा जो पठानकोट एरिया है, जम्मू एरिया है, तो काफ़ी एक्टिव है मानसून फुल एक्टिव है। हमने जैसे बताया था 8 तारीख ऑनवर्ड रिवाइव हुआ है और हमारा देश का बहुत सारा भाग में वो एक्टिव है। लेकिन
और कश्मीर में भी मॉनसून एक्टिव है और मौसम विभाग ने आज वहां पर बारिश की चेतावनी दी है। वहीं जम्मू रीजन में जोरदार बारिश का दौर जारी है। डोडा में क्लाउड बस्ट की वजह से सड़कें टूट गई हैं, कुछ गाड़ियां बारिश में फंस गई हैं। कठुआ जिले में भी कुछ दरिया उफान पर है। लोगों से कहा गया है कि वो सावधानी बरतें, नदी नालों के पास जाने से बचें। और जम्मू के तो रिहायशी इलाकों तक में पानी घुस गया और घुटने तक पानी भर गया। दीवार टूटने की वजह से कई लोगों के घर भी पानी में समा गए हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि सांबा जिले में भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर के पास काफी तेज बारिश हुई है और कुछ मिनटों में इतना पानी बरसा है कि बीएसएफ की फॉरवर्ड पोस्ट के साथ कनेक्शन ही टूट गया। हालांकि बाद में कम्युनिकेशन लाइन फिर से चालू किया गया है। अब हम आपको मुंबई के पास पालघर की तस्वीर दिखाते हैं, जहां काला मांडवी वाटरफॉल में एक हादसा होते होते बच गया। एक लड़के के बाल बाल बचने की तस्वीर इंडिया टीवी के कैमरे में कैद हो गई, जो इस वक्त आप देख रहे हैं। कुछ लड़के वाटरफॉल के पास पहुंचे थे और वहां पर जब उन्होंने पुलिस को देखा, सिक्योरिटी गार्ड को देखा, तो वहां से वो भागने लगे। इसी कोशिश में जो लाल रंग का जो टी शर्ट पहन रखा है लड़का, ये ऊपर की ओर जा रहा था चट्टान में, लेकिन पानी की वजह से वो फिसला, लेकिन उसकी जान बच गई, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। आप देख सकते हैं कि चट्टानों से गिरता हुआ नीचे आया, जहां पानी था इसके वजह से उसकी जान बच गई। आपको बता दें कि मुंबई समेत कोंकण रीजन के 7 जिलों में भारी बारिश हो रही है और बारिश के मद्देनजर इलाकों के छोटे बड़े हर डैम और वाटरफॉल पर पुलिस का पहरा लगा दिया गया है। इसके अलावा वाटरफॉल और डैम में धारा 144 भी लगाई गई है। ऐसा बरसात के दिनों में दुर्घटनाओं को रोकने के लिए किया जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी इसी तरह से लोग वाटरफॉल में पहुंच जाते हैं। और ये लड़का भी वहां घूमने पहुंचा था, लेकिन जब उसने वहां पुलिस को देखा तो वहां से भागने की कोशिश की और इसी चक्कर में जब ऊपर चढ़ रहा था उसका पांव फिसला, नीचे गिर गया, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसकी जान नहीं गई। बारिश और बाढ़ से बिहार भी बेहाल है। मौसम विभाग ने आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे बिहार में जबरदस्त बारिश हो सकती है। हालांकि नदियों में आई बाढ़ पहले ही बिहार के लिए कई इलाकों में मुसीबत बन चुकी है। बिहार के मुजफ्फरपुर में करीब 2 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। बूढ़ी गंडक का पानी लगातार बढ़ने की वजह से निचले इलाकों में पानी भरा है और हालात यह है कि घर तक पानी में डूब गए हैं, गलियां पूरी तरह पानी में डूबी हुई हैं, गाड़ियां आप देख सकते हैं कि पानी में समा चुकी है और लोग आने जाने के लिए अब सड़कों का नहीं बल्कि नाव का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब बात करते हैं एक और बड़ी खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोरोना की हालात पर समीक्षा के लिए आज पूर्वोत्तर के राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज पूर्वोत्तर के राज्यों के 8 मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल मीटिंग में शामिल होंगे। इसमें पूर्वोत्तर में बढ़ते कोरोना संक्रमण से पैदा हुए हालात पर और साथ ही साथ टीकाकरण की भी समीक्षा की जाएगी। आज सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी की बैठक होनी है। इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये तमाम इनके मुख्यमंत्री शामिल होंगे। और अब बात करते हैं टोक्यो ओलंपिक की, जिसका काउंटडाउन शुरू हो चुका है। खिलाड़ी मेडल पर मोहर लगाने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। मोदी ओलंपिक में हिस्सा लेने जा रहे खिलाड़ियों से डायरेक्ट संवाद करेंगे। शाम को 5 बजे प्रधानमंत्री मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए खिलाड़ियों के साथ जुड़ेंगे और उनके अंदर जोश भी बढ़ेंगे। पीएम मोदी ने हाल ही में टोक्यो में भारतीय खिलाड़ियों की सुविधा के लिए तैयारियों की समीक्षा भी की थी। 23 जुलाई से 8 अगस्त तक ओलंपिक का आयोजन किया गया है। भारत से 18 खेलों के लिए कुल 126 एथलीट टोक्यो जाएंगे। किसी भी ओलंपिक में भारत से भेजा जाने वाला यह अब तक का सबसे बड़ा दल है। ओलंपिक के इतिहास में भारत ने अब तक 28 मेडल अपने नाम किए हैं। इसमें से 9 गोल्ड, 7 सिल्वर और 12 कांस्य यानी कि ब्रॉन्ज मेडल हैं। उम्मीद है कि इस बार भारतीय धुरंधर इस बेहतरीन मौके का फायदा उठाएंगे और भारत के लिए ज्यादा से ज्यादा मेडल जीत कर आएंगे। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां सरकार में शामिल पार्टियों के बीच कहीं ना कहीं एक दूसरे पर इल्जाम लगाने का काम शुरू हो गया है। कल कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के बीच चल रही खींचतान फिर सामने आ गई। कांग्रेस ने चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार पर जासूसी करने का आरोप लगाया है। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि उद्धव ठाकरे सरकारी एजेंसियों के जरिए उन पर नजर रख रहे हैं। अब इस आरोप प्रत्यारोप पर सुबह 10:30 बजे कांग्रेस की बैठक होने वाली है। एक और महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रभारी एच के पाटिल जासूसी वाले मामले पर कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। वहीं दूसरी ओर नाना पटोले भी एक बैठक करेंगे। इस बैठक में कांग्रेस के कई नेता शामिल होने जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि शरद पवार की ओर से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले को छोटा आदमी कहने से कांग्रेस नाराज है। मतलब कांग्रेस उद्धव ठाकरे और एनसीपी दोनों से नाराज चल रही है। हमारे साथ संवाददाता दिनेश मौर्य जुड़ गए। दिनेश, आखिरकार इतना गैप कैसे आ गया, इतना बड़ा हम कह सकते हैं दरार पड़ गई है कांग्रेस और एनसीपी के बीच में? देखिए, दरअसल इसकी दो वजह है। जब कांग्रेस सत्ता में तो शामिल है, लेकिन जो सम्मान उन्हें मिलना चाहिए
वो नहीं हो रहा है। और नाना पटोले की अगर माने तो शिवसेना और एनसीपी अब चूंकि वो आगे चलिए गठबंधन करना चाहते हैं पब्लिकली, शिवसेना ने ये कह भी दिया है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही, इस तरह का बात नाना पटोले द्वारा की जा रही है। और जो जासूसी का उन्होंने आरोप लगा तो उन्हें ये भी लग रहा है कि इस तरह जिस तरह से उनके कार्यक्रमों में उनके मीटिंग्स की जानकारी मुख्यमंत्री को दी जा रही है या फिर गृह मंत्री को दी जा रही है तो ये सही नहीं है, जबकि एक प्रोटोकॉल के तहत होता है इस तरह की दलील एनसीपी द्वारा की जा रही है। तो ये एक बड़ा मुद्दा ये होगा, तो आज की बैठक में इसी चीज को डिस्कस किया जाएगा क्या ये नाना पटोले हैं। यही पॉलिटिक्स है कि जहां पर कभी एनसीपी और कांग्रेस मिलकर सरकार चलाते थे महाराष्ट्र में, आज वही एनसीपी और कांग्रेस के बीच में दरार पड़ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ट्विटर के एमडी मनीष महेश्वरी की याचिका पर आज कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। मनीष महेश्वरी ने कर्नाटक हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करके गाजियाबाद पुलिस के नोटिस को चुनौती दी है और इस याचिका में सेक्शन 41A के तहत दिए गए नोटिस को चुनौती दी गई है। 24 जून को कर्नाटक हाईकोर्ट में जब इस मामले पर सुनवाई हुई थी तो हाईकोर्ट की तरफ से मनीष महेश्वरी को राहत दी गई थी। गाजियाबाद पुलिस मनीष महेश्वरी को थाने में बुलाकर पूछताछ करना चाहती है, लेकिन कोर्ट ने कहा था कि अगर पुलिस ट्विटर एमडी से पूछताछ करना चाहती है तो वो वर्चुअल इंटरोगेशन कर सकती है और आज एक बार फिर से इस मामले में सुनवाई होगी। अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद देखिए क्या तालिबान के खेल पर ब्रेक लगाएगा भारत, काबुल से कांधार तक का ऑपरेशन प्लान तैयार। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।